So today we are going to understand about the difference between due process of law and procedure established by law. तो जब हम procedure established by law की बात करते हैं तो उसमें judiciary सिर्फ executive actions पे निगरानी रखती है ना कि legislative actions पे. In simple words, judiciary do not question the reasonableness of the law. But जब हम due process of law की बात करते हैं तो वो अपने आप में थोड़ा wider concept है procedure established by law का. कैसे? उसमें ये तो चेक किया ही जाएगा कि क्या प्रोसीजर जो है वो सही था या नहीं था, बट उसके साथ ये भी चेक किया जाएगा कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंडीशंस हैं, प्रोविजंस हैं, क्या वो रीजनेबल हैं कि नहीं. तो ऐसी और बातें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द अनफिल्टर्ड एजुकेशन. थैंक यू.